तो लहंगे का तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, हमने सोचा कि हम ऐसे वाले सूट्स भी ले लें, कुछ पहनने के काम आएंगे, नाजा खाला और बेटी खाला को भी एक दिला दें, तो उस तरह के सूट्स भी इनके पास काफी अच्छे हैं। लहंगे का खाला तुम बताओ, रेहान को क्या बोलते, कह रहे गजब बेचती है, रेहान की पसंद कर लेते हैं। बताओ ये, तो फिर मैंने कुछ आउटफिट्स के ट्रायल भी किए वहाँ। अभी रोज आने जाने में, घर में आने जाने में पहनोगी नहीं, हम लोग तो भारी भारी पहन उस टाइम पे आए थे। वो टाइट करवा दूँगा ना, अकेले को बुला के। अच्छा, और इसके साथ साथ बिना सिले सूट भी अच्छे थे, तो वो भी हमने लिए। उसके बाद वही मार्केट में ना इस तरह की ज्वेलरी की भी बहुत सारी शॉप्स थी, और नाजा खाला बेटी खाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है ज्वेलरी के लिए, तो मैं उनको दिखा रही थी कि मैं रख के दिखाती हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। नाजा खाला के लिए ये भी देखा, लेकिन शायद उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा चलो आगे देख लेते हैं। तो फिर हम आ गए ये दूसरी वाली शॉप पे। ये शॉप बहुत अच्छी थी, हमें चाहिए था जिसमें टीका भी हो, कान के भी हो, और यहाँ तो बहुत सारे ब्राइडल वाले सेट थे। कैसे लगा के? मजा आ गया, अब शक्ल नहीं देखेंगे। क्या ये तो झुमके में ले लो, थोड़ा वेडिंग गिफ्ट है, प्लीज 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 अपने लिए कुछ एक ले लेते हैं। वो मेरी तरफ से ही है, बहुत ज्यादा फैंस है। थैंक यू मतलब हम लोग रोज मूवी जाएंगे, आप लोग रोज ब्लॉग। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, फिर से आऊंगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आपको हमेशा देखने लगी। बैंगल शॉप दिख गई तो कंगन ले लिए, चूड़ियां तो वो कहीं से भी मिला लेंगी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें दिख गई ये पोटली और बैग्स की शॉप। और यहाँ पे एकदम फंक्शन के हिसाब से, शादी के हिसाब से एकदम चमचम वाले पर्स थे, पोटली थी, तो दोनों को ही चाहिए थे, तो मैं एकदम लेके खड़ी हो गई थी शॉप वाले भैया के जैसे कि आप लोग देख के ले लो। और बीच में फिर से सब्सक्राइबर्स मिलते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, शॉपिंग भी हो रही थी, मिलते भी जा रहे थे। मैंने सारा रिजल्ट से कहा तुम लोग भी तो कुछ लो, ये लोग का मन ही नहीं कर रहा है लेने का, कोई भी चीज का इनका शौक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो करना चाहिए। अम्मी के लिए जन्मदिन देनी थी, तो वहाँ पे ये भी शॉप दिख गई थी, तो वो भी ले गई। तो ये ज्वेलरी वाले भैया बोले मैम आपने यहाँ पे आते हो व्लॉग बनाते हो, मेरी शॉप का भी व्लॉग बनाओ। तो यहाँ से मैंने खैर अम्मा के लिए कंगन तो लिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो प्रॉपर दिखा देती हूँ कि इनके पास बहुत ही अच्छे इस तरह की बैंगल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप जा रहे हो तो इनकी शॉप से ले लेना, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैंने ऊपर नाम दिखा दिया, मोहम्मद अली रोड के पास में ही है, देखिए मस्जिद सामने दिख रही है। और ये सामने वाले भैया भी कह रहे थे हमारा भी दिखना